नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल 2019 में 12 में से 8 मुकाबले हारकर अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दोस्तों, हालांकि अभी भी आईपीएल में आरसीबी को 2 मैच और खेलना है और खुशी की बात तो ये है कि आरसीबी को अब ये दोनों मैच अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेलना है। दोस्तों, आरसीबी को अपना अगला मुकाबला 30 अप्रैल मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है। ऐसे में आरसीबी की टीम यही चाहेगी कि अंत के मुकाबलों को अच्छी तरह से जीत कर सही अंजाम दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले मैच में यानी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और क्या इस मैच में किसी अन्य खिलाड़ी को मौका मिल सकता है जिन्होंने अब तक इस आईपीएल में एक भी मैच ना खेला हो। मगर दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम भी आपको आईपीएल से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ देते रहे। दोस्तों, पिछले मुकाबले में दिल्ली के साथ हारने के बाद ही आरसीबी ने अपने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को खत्म कर दिया है। दोस्तों, आईपीएल 2019 का 49वां मैच आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है, जहां टीम यही चाहेगी कि अंतिम कुछ मैचों में वो जीत जरूर हासिल करे। दोस्तों, यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास ना तो कुछ पाने को है और ना ही कुछ खोने को है। वो ये मुकाबला बस अपनी साख बचाने के लिए खेल रहे हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मैच बेहद ज़रूरी है। वो ये मैच जरूर जीतना चाहेंगे क्योंकि अगर ये मैच वो हार जाते हैं तो वो भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, आरसीबी की टीम अगर चाहे तो इस मैच में अपने कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर कुछ अन्य खिलाड़ियों को मौका दे सकती है जिन्हें इस सीजन में एक भी बार खेलने का मौका नहीं मिला है। वहीं दोस्तों, हेनरिक लासन की जगह टीम एक बार फिर से हिटमायर को मौका दे सकती है। इसके बाद दोस्तों, गेंदबाजों में कुलवंत खिजरोलिया भी एक अच्छे ऑप्शन है जिन्हें इस मैच में पहली बार खेलने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ शिवम दुबे को एक बार फिर से, वहीं गुरकीरत सिंह मान को पहली बार खेलने का मौका मिला था, जहां इन दोनों ने ही 24 और 27 रनों की पारी खेली थी। तो दोस्तों, अंत में बात करें प्लेइंग 11 की तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले खेलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान और उप कप्तान पार्थिव पटेल और विराट कोहली। इसके बाद दोस्तों, एबीडी प्लेयर्स। इसके बाद 4 पर हेनरिक लासन या फिर हिटमैन को मौका मिल सकता है। इसके बाद 5 पर स्टोइनिस, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर गुरकीरत सिंह मान, 8 पर वाशिंगटन सुंदर, 9 पर उमेश यादव या फिर कुलवंत खिजरोलिया को मौका मिल सकता है, 10 पर नवदीप सैनी और 11वें नंबर पर युजवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आरसीबी के किस खिलाड़ी को इस मैच में मौका मिलना चाहिए, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।